वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर। देखो डियर, पहली बात तो ये है कि थोड़ा रिस्पांस अच्छा दो वीडियोस पर। रिस्पांस अच्छा भी है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि देखो, जितनी भी स्टैटिक जीके सभी स्टूडेंट्स करके आ रखे होंगे, ठीक है। हमें क्या है, हमें एक अलग करना है। स्टैटिक जीके तो देखो हम कर भी रहे हैं, 1500 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई हुई है, बिल्कुल गारंटेड उसमें से पूरी हरियाणा जीके हमारी कवर हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार करंट अफेयर की, एक करंट अफेयर नई सीरीज़ है। इसमें क्या होगा कि जितना भी करंट अफेयर हुआ है, आजकल क्या है कि एग्जाम में करंट अफेयर का ज़्यादा रेशो है, और वो भी हरियाणा की करंट अफेयर हो जाती है तो और इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगर मान लो 25 में से 15 क्वेश्चन भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है, 10 भी आ गए तो वो भी बड़ी बात है। और हम पूरा 8 से 10 महीने का कवर कर देंगे, पूरा कंप्लीट 6 महीने की हम कवर कर चुके हैं 2019 की, जो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, नवंबर दिसंबर की भी कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं अक्टूबर की, ठीक है। 1 महीने की और करवाएंगे, बस इतना ही, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से भी 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की करंट अफेयर लेके आएंगे, वो तुम्हारी पीडीएफ के अंदर होगी, उसके अंदर आपको ऐसे नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, ऑडियो में नहीं मिलेगा। ऑडियो में बनाने का बस एक ही मोटिव है, एक तो सबसे बड़ी बात टाइम, और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि हम खाली सुनकर ही, आप कॉपी पेन लेके बैठे तुम्हारे लिए वही बात बन जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सांपला का नाम बदलकर क्या रख दिया है। सांपला का नाम बदलकर 2018 में अक्टूबर में रखा गया था, क्या नाम रख दिया, छोटू राम नगर। कहाँ पर है ये, रोहतक जिले में है। बात करते हैं ओपी धनखड़ को कौन सा अवार्ड मिला है। पशु संजीवनी सेवा अवार्ड मिल चुका है ओपी धनखड़ जी को, ठीक है। पशुपालन एक डेयरी विभाग के अतिरिक्त क्या है, एक पशुपालन एक डेयरी विभाग के अतिरिक्त सुनील कुमार गोलाटी, ठीक है। अब सुनो एक बात करते हैं इम्पोर्टेंट, विकास गीत की सीडी को लॉन्च किया, किन्होंने लॉन्च किया है, मनोहर लाल खट्टर जी ने। हरियाणा के जिलों में मेवात में सबसे अधिक 907, 2011 के अनुसार सबसे कम गुरुग्राम में थी, ठीक है। अब क्या है कि देखो, ये तो बात हो गई, चलो ठीक है, किसकी किस में कम थी, ये 2011 के अनुसार है, ठीक है। लेकिन मैं बात करता हूँ कि हरियाणा के अलावा, हरियाणा का सबसे कम था रेशो, तो अब ये करंट में कितना आ गया, 916 करंट का है, तो इसीलिए मैं बताना चाहता था ये रेशो, ठीक है। अब 6 अक्टूबर 2018 को हरियाणा उर्दू अकादमी ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया और कहाँ मनाया। 6 अक्टूबर 2018 को हरियाणा ने उर्दू अकादमी 22वां स्थापना दिवस पंचकुला में बनाया, ठीक है। उर्दू साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम क्या है, हाली पुरस्कार, कितनी आया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि हाली पुरस्कार ये सब किससे रिलेटेड है, तो इसकी राशि है 2.15 लाख रुपीज़। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि खेल के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम बताओ हरियाणा में, कमेंट बॉक्स में लिखना, और इसका क्या कहते हैं कितने राशि इसकी है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो हाली पुरस्कार है किसके नाम से दिया जाता है, अल्ताफ हुसैन होली के नाम से दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने किसाऊ और रेणुका बांध के लिए समझौता किया है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कहते हैं, पहला पिंजौर उत्सव कब हुआ था, 2006 में हुआ था। अब लेकिन बात चल रही 2018 की, तो 2018 की बात करते हैं। 2018 में कहाँ पर हुआ था, पिंजौर विरासत उत्सव 2018 में मनाया गया था, कब से कब तक, 19 से 11 अक्टूबर तक बनाया गया था। अच्छा, पिंजौर में किस चीज़ का मेला लगता है, तो यह मैंगो का मेला लगता है, और कहाँ पर, यादवेंद्र उद्यान में, ठीक है। तो अभी कौन सा मेला लगा था, 7 से 8 जुलाई 2018 को 27वां मैंगो मेला लगा था, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेल कोच बनाए जाएंगे, उसका नया अभी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, सोनीपत में गन्नौर में किया गया है, ठीक है। शिलान्यास कब हुआ था, 9 अक्टूबर को पीएम ने किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि शिक्षा मंत्री कौन है, रामविलास शर्मा है, तो ये तो क्वेश्चन हो नहीं सकता इतना इजी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ताज़ा परिणामों के आधार पर क्या नाम रख दिया है, खंड खरकोदा सोनीपत सांपला रोहतक पानीपत खंड को एक सक्षम खंड घोषित कर दिया गया है इनको, ठीक है। अब बात करते हैं ठग बाजार की सैर किसके द्वारा लिखी गई है, मतलब किसकी है ये पुस्तक, सर छोटू राम द्वारा लिखी गई है, ठीक है।
अब बात करते हैं पैरा एशियन खेल में जेवलिन थ्रो में अमित बालियान ने रजत पदक जीता, कौन से गांव का है? महलाना सोनीपत से। भारत में पहली बार असमीय भैंस का क्लोन सच गौरव का कहाँ पैदा हुआ? हरियाणा में हुआ। कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है, जल्द ही हरियाणा सरकार फार्म स्कोटिल पॉलिसी स्टार्ट करेगी, तो कहाँ पर? 2018 में बनेगी। ठीक है, अब बात करते हैं राजकुमार सैनी की नई पार्टी का नाम क्या है? लोकतंत्र सुरक्षा मंच। कुरुक्षेत्र से पहले यह बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं। वेयर हाउसिंग के चेयरमैन कौन है? श्रीनिवास गोयल। मिस डेज इंडिया 2018 कौन है? निष्ठा डुडेजा ने जीता। चेक गणराज्य में आयोजित 18वीं मिस डेफ वर्ल्ड 2018 जीती, किन्होंने? चेक गणराज्यों में आयोजित मिस डेफ वर्ल्ड 2018 भी जीती थी। ठीक है, अब बात करते हैं 30 फीट ऊंचा अशोक चक्कर कहां पर? यमुनानगर में बनाया गया। टोपर कला गांव में अशोक इंडिया गेट पार्क में स्थापित किया गया। जीएसटी अपलेट ट्रिब्यूनल की बेंच का गठन कहां पर हुआ? हिसार में। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसकी सभी पालिकाओं को ड्रोन का सर्वे कराया जाएगा? हरियाणा। ठीक है, पावर लिफ्टिंग खेल में अहम योगदान देने वाले दुबई में हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से नवाजा गया है, किन को? पूर्ण सिंह कादयान को। कौन से गाँव के हैं ये? दुब्बलधन गाँव के हैं ये। ठीक है, हरियाणा में राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाबा काशीनाथ का निधन हुआ है कहाँ पर? सिरसा में। ठीक है, सीएम 27 अक्टूबर 2018 को क्या कहते हैं, क्या किया इन्होंने? इन्होंने डॉक्टर मंगल सेन एलिवेटेड रोड हरियाणा में रोहतक में बनाया गया। ठीक है, यह इन्होंने एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। हरियाणा की पहली और देश की तीसरी महिला असिस्टेंट कमांडेंट कौन बनी? सौम्या सोनीपत। कहाँ, क्या, किससे? बीएसएफ से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो केएमपी की फुल फॉर्म क्या है? कुंडली मानेसर पलवल। ठीक है, और इसको 15 दिन टोल फ्री रहेगा। ठीक है, बल्लभगढ़ मुजेर सर मेट्रो लाइन को हरी झंडी दिखाई गई, कब? अक्टूबर के अंदर ही। अब बात करते हैं हरियाणा का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सोनीपत के अंदर खुला है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ये हमारी अक्टूबर की थी। थैंक यू, अभी हमारी जो 1500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है विद पीडीएफ, उसको भी देखना ना भूले, और एंड में हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। उसका टास्क ये होगा कि आपको एक तो सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट हमें भेजना होगा व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, 1500 क्वेश्चन की सीरीज पूरी पीडीएफ दे देंगे तुम्हें। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।